रश्मित एंड आई एम आदित। आज हम लोग आपको टाइप्स ऑफ रूट बताएंगे। आज हम लोग आपको टाइप्स ऑफ रूट और टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में बताने जा रहे हैं। वन मोर थिंग, टाइप्स ऑफ सीड। वेंस सीधे जाती है इसलिए इसको मिड वेंस से बाकी सारी वेंस इसकी पैरेलल जाती हैं, तो ऐसे विनेशन को पैरेलल वेशन कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन में जो लीव्स का जो वेंस होते हैं उनका अरेंजमेंट जाली टाइप में रहता है, तो इसे हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। या देख सकते हैं कि यहाँ पे नेट टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। जब एक ही रूट से कई सारे ब्रांचेस निकलते हैं तो उसको जब एक ही पॉइंट से कई सारे ब्रांचेस निकलते हैं तो उसको हम फाइबरस रूट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट से कई सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं और इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, सभी एक ही जगह से निकले हुए हैं। ऐसा ज़्यादातर पैरेलल वेनेशन वाली लीफ में लीफ के रूट में। टैप रूट में जो रूट्स निकलती हैं वो जैसे जो फर्स्ट रूट निकलती है उसे हम लोग दूसरी जो रूट है उसको हम लोग मतलब प्राइमरी रूट से जो एक और रूट निकलती है उसे हम लोग सेकेंडरी रूट कहते हैं। सेकेंडरी रूट में से जो एक और वाली निकलती है उसे हम लोग टर्शरी रूट कहते हैं। ऐसा रूट ज़्यादातर रेटिकुलेट लीफ के प्लांट्स में पाया जाता है। सब में तो नहीं बट मोस्टली रूट में जिस प्लांट का वेनेशन पैरलर होगा उसका रूट फेबरस होता है और उसमें मोनोकॉट सीड पाई जाती है। उसका सीड मोनोकॉट होता है। मोनोकॉट का मतलब कि जो टू पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकते हैं, जैसे कि राइस। मक्का जिस प्लांट में अगर उसके लीफ का वेनेशन रेटिकुलेट है और रूट टैप है और उसका रूट टैप होता है तो उसकी जो सीड है वो डाइकॉट सीड होंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टू पार्ट में डिवाइड हो सकती है। और भी हो सकते हैं जैसे चना, दाल, ग्राम और मटर। आई होप यू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ रूट सीड्स एंड लीफ एंड वेनेशन। थैंक यू एंड बाय।